आसिफ के पास चलते हैं, श्रीनगर, फिर उसके बाद विशाल के पास जाऊंगा, चंडीगढ़। आसिफ जरा बताइए, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज विधानसभा चुनाव में बनने की संभावना है या फिर इस बार भी वहां पर पीडीपी अलग लड़ेगी और शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अलायंस हो जाए? देखिए, अभी तक की जो तस्वीर है उससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार शायद साथ में चुनाव नहीं लड़ेगा। हो सकता है सभी अपनी अपनी राहें अलग पकड़ ले, लेकिन एक संभावना ये भी है कि पीडीपी और कांग्रेस हो सकता है एक साथ चुनाव लड़े। फिलहाल जो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, मैं उनके घर के बिल्कुल बाहर हूँ, वो मीडिया से अभी बात कर रहे हैं, सीधा अभी दिल्ली से यहाँ अपने घर पहुंचे हैं। और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ये पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी और सभी 90 की 90 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने 2-3 बार ये बयान दोहराया, हमसे भी बातचीत के दौरान यही बात उन्होंने इसी पे स्टैंड लिया। और उसके बाद पीडीपी और कांग्रेस में थोड़ी बातचीत होती नजर आई। हो सकता है कि कांग्रेस पीडीपी के साथ जाए या हो सकता है कि वहां पर भी कोई बात न बने और सभी जो इंडिया गठबंधन के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे। और इसी तरह की तस्वीर मादक एनडीए में भी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि बीजेपी ने यहां कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर अपने सहयोगियों को सपोर्ट किया था, श्रीनगर और साउथ कश्मीर की अनंतनाग सीट पर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी वाली, और दूसरे जो नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट है उस पर ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया, उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज, कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे, बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे आगे तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी तो बात करते रहेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ, हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और